हैट बनाने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा छोटा सिरा है उसे लेफ्ट हाथ में पकड़ेंगे अपने। देखिए जो हमारा छोटा सिरा है इसको हमने लेफ्ट हाथ में पकड़ लिया, और जो हमारा बड़े वाला सिरा है जो गोले से जुड़ा हुआ है उसको राइट हैंड में पकड़ के एक लूप बनाएंगे। ये अपनी उंगली पे लपेट के हमने एक छोटा सा ये लूप बना लिया। इसे बनाने के बाद हम इस लूप को राइट हैंड में पकड़ के और अब इससे हम एक चेन बना लेंगे। इस लूप में से अपने क्रोशिए को निकाल के हमने एक चेन बना ली। ये देखिए अब हम तीन की चेन बनाएंगे, दो तीन। अब हम इसमें 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस की कैप बनाने के लिए, हैट बनाने के लिए हम इस लूप में 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, और ये हो गया हमारे 12। 12 बनाने के बाद अब हम इसे, जो हमने ये धागा है इसको हम इसको खींच देंगे, इसको हम टाइट से खींच देंगे तो ये जो हमारा बीच में छेद था ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और जो हमने पहला डबल क्रोशिया जो हमने तीन की चेन बनाई थी इससे साथ हम इसे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। तीन की चेन जो हमारी थी इसके साथ हम इसे जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। ये हमने इसे जोड़ दिया और अब जो हमारा ये धागा है इसे हम नीचे से कस के गांठ लगा देंगे इसके साथ, जिससे ये कि बार बार ये लूज ना हो। अब ये हमारे 12 डबल क्रोशिया जो हमने बनाए हैं हम इनके ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम पहले चार में पहले तीन की चेन बनाएंगे, उसके बाद चार डबल क्रोशिया के ऊपर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो, तीन, चार। उसके बाद चार के बाद पांचवे चेन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब हमें एक फंदा अपना बढ़ाना है। एक, और इसी चेन में एक और। अब हम फिर से अपनी चार डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल बनाएंगे चार चेन में और फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। दो, तीन, चार। चार बनाने के बाद फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे अपना, एक चेन में दो डबल क्रोशिया करेंगे।
इस तरह से हमने इस रो में दो फंदे अपने बढ़ा लिए, दो डबल क्रोशिया हमने इसमें बढ़ा लिए। अब बाकी बची हुई चेन को हम बुन देंगे सिंगल डबल क्रोशिया के साथ। इन्हें बुनने के बाद हमने जो तीन की चेन बनाई थी उसके साथ हम स्लिप स्टिच कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। ये देखिए हमारे कैप का ये ऊपर का पोर्शन बन गया है, दो रो हमने बना ली हैं। और इसी तरह से हम इसमें पांच रो बनाएंगे और हर रो में दो दो फंदे हम बढ़ाते जाएंगे। ऐसे ही एक चेन में दो डबल क्रोशिया करके हम पांच इसमें रो बना लेंगे क्रीम कलर से ही। देखिए पांच रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें नीचे मर्चेंटा कलर से किनारी बनाएंगे, तो इसके लिए हम इसमें मर्चेंटा कलर जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हम इसमें एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद हम हर चेन में से दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया का मतलब है कि हम लूप लेके अपने क्रोशिए में तीन हुक कर लेंगे और फिर तीनों का एक बना लेंगे, इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। तो अब हम हर चेन में दो दो बनाएंगे, तो एक हमने बना लिया है, एक और हम इसी चेन में बना लेंगे। ये हमारे दोनों बन गए हैं। अब हम दूसरी चेन में दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह करते करते हमें अपनी ये पूरी रो कंप्लीट करनी है, दो दो हाफ डबल क्रोशिया हर एक चेन में। ये देखिए हमारा पूरा जो हमने जो सारी हमारी चेन है उसमें हमने दो दो हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जो पहले हमने चेन बनाई थी उसमें से हम इसको जोड़ लेंगे और उसके बाद हम इसमें कुछ चेन बना लेंगे जिससे कि हम इसको चोली के साथ अटैच कर दें। लगभग 20-25 चेन हम इसमें बना लेंगे। ये हम इसे चोली के साथ नेक पोर्शन में अटैच कर देंगे। अब हम अपने धागे को कट कर लेंगे। नेक पोर्शन के साथ अटैच करने का फायदा यह है कि मैचिंग कैप इजीली ड्रेस पे जब आप पहनाएंगे तो उसके साथ आपको इजीली ड्रेस ये कैप मिल जाएगी। इसमें हम इसको गांठ लगा के और इस धागे को काट देंगे। देखिए बनने के बाद हमारी कैप कुछ ऐसी लग रही है। देखिए ये हैट हमारा ऐसे लग रहा है।
तो इस तरह से हमारी ये दो रंग की कान्हा जी की डिज़ाइनर ड्रेस कंप्लीट हो गई है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएंगे बनाइए और हमें बताइए कि ये कैसी बनी आपकी, और अपने सुझाव और जो भी आपको इसमें अगर कोई बनाने में दिक्कत परेशानी आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपकी जवाब देने का, हम आपकी दिक्कत परेशानी को दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।